हेलो और नमस्ते। हमारा आज का वीडियो हमारे खास उन व्यूअर्स के लिए है जिन्होंने बेरियाट्रिक सर्जरी करवाई है या फिर करवाने का सोच रहे हैं। सर्जरी के बाद के खाने पीने की पैटर्न को लेके इन पेशेंट्स के मन में कई सारी चिंता और बेचैनी लगी रहती है, जैसे कि बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद सोशल गैदरिंग्स में या फिर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ रेस्टोरेंट में जाने का अनुभव पहले की तरह नॉर्मल नहीं रहेगा। सबके साथ होते हुए भी आपको एक अलग तरीके से आहार लेना पड़ेगा, या फिर अगर सबको पता चल गया कि आपने बेरियाट्रिक सर्जरी करवाई है तो सब इसके बारे में पूछते रहेंगे। ऐसे कई सारे सवाल मन में उठना बहुत ही नॉर्मल है, पर आपको इन विचारों से, इन सवालों से परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि एकदम नॉर्मल तरीके से ही आहार लेना है। जब आप ये बात समझ लेते हैं कि बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद के हर एक फेज का एक अलग एडवाइस और गाइडलाइंस रहता है, जिसको अगर आप फॉलो करके करते हुए डाइट लेते हैं, तो आपका बाहर रेस्टोरेंट में खाने का अनुभव काफ़ी हद तक नॉर्मल और आसान हो सकता है। पर बेरियाट्रिक पेशेंट्स को जब भी बाहर आहार लेते हैं तो अपने सर्जन्स और अपने डायटिशियन के द्वारा दी गई डायटरी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए आहार लेना है। बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद आपका डाइट काफ़ी हद तक कम हो जाता है, आप काफ़ी कम क्वांटिटी में खा पाते हैं, तो आप क्या खाते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। आपके बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए एक हेल्दी फूड ऑप्शन को चूज करना बेहद ही आवश्यक रहता है। रेस्टोरेंट में फूड ऑर्डर करने से पहले एक बार अच्छे से सोच ले कि आप क्या खाना चाहते हैं और कौन सा ऑप्शन आपके लिए एक हेल्दी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि आपके पास दूसरों की तरह मल्टीपल ऑप्शंस नहीं रहेंगे। तो अपने फूड को अच्छे से प्रायोरिटाइज करें, मेन्यू को अच्छे से देखें और फिर अपनी पसंद के हिसाब से एक हेल्दी फूड ऑप्शन को और हो सके तो प्रोटीन बेस्ड फूड को ऑर्डर करें। साथ ही एक बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि अपनी पोर्शन साइज को किसी और की पोर्शन साइज के साथ कंपेयर ना करें, या फिर किसी और के द्वारा इस मैटर पर कमेंट किए जाने पर अपने आप को परेशान ना करें, या फिर खुद अजीब या ऑकवर्ड फील ना करें, क्योंकि सर्जरी के बाद उनकी स्टमक की साइज और आपकी स्टमक की साइज काफ़ी हद तक अलग रहती है। हो सकता है कि शुरुआती दिनों में आपका डाइट थोड़ा सा कम होगा, पर कुछ ही महीनों में आप एक उचित मात्रा में आहार ले पाएंगे। तो रिलैक्स्ड रहे और बेरियाट्रिक सर्जरी की वजह से आपके शरीर में आ रहे हेल्दी बदलाव को ध्यान में रखते हुए हमेशा रिलैक्स्ड और खुश रहे। एक बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि कंपनी खाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो जब भी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली या फिर लव्ड वंस के साथ, तो बहुत सारा एंजॉय करें, फन करें और ढेर सारी बातें करें, क्योंकि जब आप ज़्यादा बातें करेंगे तो आप काफ़ी स्लोली खाएंगे और काफ़ी कम खाएंगे। सो द मोर यू टॉक द लेसर एंड स्लोअर यू विल ईट। तो बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद आप हर एक फेज में अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ या फिर सोशल गैदरिंग में डेफिनेटली बाहर कोई भी हिचकिचाहट के बिना आहार ले सकते हैं। तो बेरियाट्रिक सर्जरी के आप कौन से फेज में हैं, उस हिसाब से आपको डाइट रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस को हमेशा ध्यान में रखना है। और एज अ डाइटिशियन हमारा रोल यहीं पे आता है कि हम आपको एक राइट डायरेक्शन में गाइड करें, ताकि आपका बाहर खाने का अनुभव काफ़ी हद तक नॉर्मल और आसान रहे। हमेशा याद रखें कि अपने आहार को मन लगाकर यानी कि माइंडफुली ले और उसका आनंद लेते हुए धीरे धीरे पूरी तरह से चबाते हुए खाएं और पेट भर जाने के एहसास पर रुक जाए।